जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली उसको मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो तीन जो चार पांच जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला देख लीजिए, ये तो सबको लर्न होता है मेनली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो मेनली सबको लर्न होता है। एक्चुअल में उस क्या होता है, ये दोनों लर्न तो होता है बट कंफ्यूजन होता है कि पहले टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा था या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, तो ये उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना एबीसीडी तो जानते हैं, अल्फाबेटिकल वाले में सबसे पहले क्या आता है, एस आता है और फिर क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि ये जो sec है, sec स्क्वायर थीटा पहले रहेगा, फिर माइनस का साइन लगेगा और tan स्क्वायर थीटा होगा और इज इक्वल टू 1 तो होगा ही, ओके। और सेम चीज यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये भी देख सकते हैं, cosec ये तो सही है, co तो सही है, मतलब दोनों सेम है, बट s आ रहा है। अल्फाबेट में जो है s कब आता है, पहले आता है, और t जो है बाद में आता है, तो cosec पहले हो जाएगा और माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। तो होप्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। और वैसे ही अगर आप फ्रेंड्स ये दोनों फॉर्मूला भी आप लर्न कर लेंगे तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, ओके। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप अगर चाहे तो इसको आप ये सॉल्व करके ला भी सकते हैं, कैसे, तो टेन स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद से ऐड करके आप इसको ला देंगे, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और लाइक से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, गुड बाय।